हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पासा की चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर कर रख सकते हैं और कैसे हम अपने पहचान सकते हैं कि हमें कोरोना वायरस तो नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ देखने के लिए बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि इसका ओरिजिन क्या हुआ और इसका अभी मतलब संख्या क्या है। तो संख्या इसका इतना है कि हमारे देश में टोटल 1,80,000 से एवं इसका केस आ चुका है, और इसमें से 70,000 से अधिक लोगों की डेथ हो रखी है। और इंडिया में करीबन 124 अप्रॉक्स में केस आ चुका है आज तक का, और उसमें से 3 डेथ हो रखी है, जो कि कल एक महाराष्ट्र में डेथ हो रखा और पहला कर्नाटक का डेथ हो रखा है। तो आप देख सकते हैं कि गैस ये कितना भयंकर और कितने मतलब सडनली बढ़े जा रहा है इसका केस। तो इस चीज़ का हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और सबसे पहले कि इसका मतलब साइंस सिम्टम्स क्या है, मैं आपको ये भी बता दें, और ये कैसे ओरिजिन होता है। ये ओरिजिन माना जा रहा है कि चाइना के एक जगह है जहाँ पे मांस मछली ऐसे काट के वहाँ मतलब बिक्री हो रहा है, तो उस जगह से ये ओरिजिन हुआ है और चाइना के जगह से। और मेनली इसको कहा जा रहा है कि चमगादड़ के खाने की वजह से हो रहा है, और इसका नाम रखा गया कोविड 19। तो इसका कोविड मतलब इसका पूरा नेम है कोरोना वायरस डिजीज 2019 में, इसलिए क्योंकि इसको 31 दिसंबर से ये ओरिजिनेट हुआ है, इसलिए इसका कोविड 19 इसका कोड रखा गया। और इसका साइंस सिम्टम्स ये है कि आपको फीवर होगा, मेनली साइंस सिम्टम्स है फीवर, और इसके साथ साथ उसको कफिंग होगा, कफिंग के साथ वो ड्राई कफ होगा। याद रखिए मतलब ये चीज़ आप ध्यान रखें, ड्राई कफ हो रहा है, उसको फीवर है और सांस लेने में दिक्कत है, उसके साथ साथ उसको थकान भी हुआ है, मतलब कहीं चलेगा तो हरासमेंट होगा, ये सब चीज़ होगा, और साथ साथ में उसको मतलब सर्दी होगा। लेकिन हाँ, स्नीजिंग जो छींकने वाला सर्दी होगा वो चीज़ इसमें नहीं ऐड होगा गाइस, ये चीज़ ध्यान रखिए। कितना आदमी बोला कि हमको सर्दी होगा, खांसी हो गया तो हमको कोरोना वायरस तो नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मेन सिम्टम्स है फीवर, कफ होगा, कफ भी वो भी ड्राई कफ, आपको मतलब खांसी होगी तो वो भी ड्राई, मतलब कफ नहीं आएगा उसमें से, और थकान होगा और बेचैनी होगा आपको, और सांस लेने में दिक्कत होगी, और इसमें स्निंग नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। और कैसे हम पहचाने कि हमें कहीं कोरोना वायरस तो नहीं हुआ, तो आप एक हुआ कि 30 सेकेंड अप्रॉक्सीमेट 30 सेकेंड करीब में आप जोर से सांस लीजिए ऐसे ऐसा, अगर कंटिन्यू आप 30 सेकंड तक सांस को ऐसे मतलब कंटिन्यू रोके रखें और बिना कफिंग किए हुए, तो आप समझ लीजिए कि आपको कोरोना वायरस नहीं हुआ है, मतलब आप अपने चुप बचा सकते हैं। और इसका साइंस सिम्टम्स जरूरी है कि दो दिन में दिखे, ये आप कहीं से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो 2 दिन से लेकर 12 दिन तक ये शो कर सकते हैं सिम्टम्स, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा इस। और इसमें होता है कि इसको हम कैसे बचाव रख सकते, बचाव रखने के लिए लोग ऐसे मतलब भीड़ भाड़ इलाके पर मत जाएं, इसलिए होता है कि बहुत सारे दिख रहा है कि जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय खेल हैं, बहुत सारे फंक्शन है, कॉलेज है, सारे कॉलेज बंद कर दिए गए हैं गाइस, और मतलब जितना हो सके एक दूसरे से मतलब दूरी बना के रखा जाए, और अगर किसी को खांसी हो, नॉर्मल खांसी भी हो, सर्दी हो, तो 1 मीटर की दूरी यानी कम से कम 3 फीट की दूरी बना रखे। तो इस सब चीज़ का ध्यान रखें, और कहीं भी बाहर जाएं तो कम से कम मास्क लगा कर ऐसे आप अपना प्रिवेंशन रखें कि बाहर ना जाए, ट्रैवल ना करें, जितना कम से कम लोगों भीड़ से दूर रहें और घर में रहें तो सेफ रहें और अपने आप को सुरक्षित बनाए रखा। और ट्रैवल कहीं बाहर जाते हैं अगर इमरजेंसी हो तो आप मास्क लगा के जाएँ, इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसे हाथ धोते रहो, और हाथ मतलब उतना जितना ज़्यादा धोएंगे उतना ज़्यादा सही है। और हाथ को क्या करें कि मतलब जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि हाथ धोते रहे, ना किसी को मैं नहीं होता हाथ धोने का, तो ऐसा नहीं करना गाइस। लेकिन हाँ, जितना अधिक से अधिक हो सके आप हाथ धोते रहिए, और सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग जरूर से जरूर करें। कहीं भी बाहर जाए तो आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, बार बार कहीं कोई चीज़ टच की, जैसे कोई खाना कहीं आप बाहर गए खाने मॉल वॉल में बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी अगर मतलब कोई जाता है तो आप वो चीज़ देखिए, कोई उसको अगर इन्फेक्टेड पर्सन गया तो वहाँ छींका, तो उससे वो वायरस आपके कांटेक्ट में मिली, ये वायरस आपके नाक और मुंह से फैलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वैसा, इसलिए भीड़ भाड़ का मना कि कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर एक पर्सन को तो उसे पूरे लोगों को फैलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर होता है कि मतलब कहीं जाने से पहले बाहर का नाक खाएँ, ये चीज़ ध्यान रखें, और सैनिटाइजर अपने पास जरूर रखें, मास्क वियर करें, मतलब जरूरी नहीं कि मतलब महंगा वाला मास्क हो, कोई भी कम से कम अपने अपने स्टॉल से भी मुंह को और नाक को दोनों को कवर करके रखें गाइस। गाइस आपसे और एक ये भी रिक्वेस्ट है कि सलाह भी है कि आप इस चीज़ से ना घबराएं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। ये मतलब होता है कि अचानक होने वाला डिजीज़ है, इसका अभी तक एंटीडोट भी नहीं आया है, तो इसको हम लोग प्रिवेंट करके अपने आप को बचाव कर रख सकते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे लोग बहुत सारे घबरा रहे हैं कि क्या हो गया, मतलब जिसको नहीं पता है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है गाइस कि इतना आप ध्यान रखें कि इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा और कुछ दिन में डिस्ट्रॉय हो जाएगा,
जो वायरस है, तो मतलब एक टेम्परेचर, लिमिट टेम्परेचर आने के बाद। तो आपसे यही उम्मीद है गाइस और सलाह भी है कि प्लीज़ अपने आप को बचा के रखें, प्रिवेंट करके रखें, और मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करो, हाथ को बार बार धोते रहें। आप उम्मीद करते हैं गाइस कि आपको सब समझ आए कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ये फैलता है, इसका साइंस सिम्टम्स क्या है, अपने आप को कैसे मतलब पहचान सकते कि मुझे तो कोरोना वायरस नहीं हुआ, और मतलब इसका ओरिजिन क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, और कैसे बचा सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये हमारी बात समझ में आए हो, और उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ध्यान रखेंगे अपना। और सबसे पहली बात है कि अपने आप को सुरक्षित रहेंगे तभी सबको सुरक्षित रखेंगे, परिवार को सुरक्षित रखेंगे और अपने देश को सुरक्षित रखेंगे। तो उम्मीद है गाइस कि आप, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे बड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद गाइस।